नमस्कार, स्वागत है आपका टेक केयर न्यूज में। मैं आपके साथ पिंकी राठो। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। जहां मुहर्रम की 9 तारीख शुक्रवार को ताजियों का जुलूस प्रमुख मार्गों से निकाला गया। हुसैन और उनके साथ करबला में शहीद हुए शहीदों को याद को ताजा किया गया। लाल हरे रंग में हमको मत बांटो, छत पे हमारे तिरंगा रहने दो, जैसे शानदार धुनों के साथ शान शान निकाला ताजिए और अखाड़ों का जुलूस, जिसमें हजारों लोग ने अपनी उपस्थिति निभाई। उनके नारों से गूंजता ये जुलूस नयापुरा चौराहा सुभाष चौक 3 बत्ती चौराहा पहुंचा। नयापुरा युवा ग्रुप की तरफ से रईस कामदार आरिफ मेव, राजा पठान, आशिक शेफ, सेफ भाई, अधिवक्ता तनवीर शेख और ग्रुप के सम्माननीय सदस्य ने सरपंच खलीफा के इस्तकबाल किया। सुभाष चौक में सुभाष चौक मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष इरशाद अली, उपाध्यक्ष फिरोज भाई, नवरंग सचिन, परवेश शेख, विनर से सचिव अहमद, शेख इमरान, करमर शेख, मतीन शेख एवं कई साथियों के द्वारा निकल रहे अखाड़े और ताजियों के साथ चल रहे पंचायतों के सदर और सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। के वरिष्ठ सदस्य और कार्यकर्ता बाबू भाई बी के प्यारे मियां और साथियों की तरफ से गाजा भाग चौराहे पर निकल रहे जुलूस को माला पहनाकर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कमेटी के अध्यक्ष लियाकत हुसैन मिलन के नेतृत्व में 3 बत्ती चौराहे पर खारी बाखड़ी क्षेत्र में उठे मुहर्रम इब्राहिम बाबा के अखाड़े का जोरदार स्वागत किया गया। अखाड़ों और ताजियों को सुभाष चौक तक पहुंचाने में 12 बजे का समय लग गया। इस बीच लाइट फिर अचानक गुल हो जाने के कारण पूरे जुलूस में सशें और आपाधापी का माहौल पैदा हो गया। इस तरह मध्य रात्रि 1 बजे तक जुलूस अपनी शान के मुताबिक निकाला गया, जिसमें समाज जनों के खासकर युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संवाददाता रईस कुरैशी की खास रिपोर्ट। Yeah!
उसके साथ।